हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रैंक बॉय निखिल। हम आए हैं आज वालिया मोटर्स पे, सुभाष नगर में ये पड़ता है। एड्रेस पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो स्टॉक दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, आपको बुलेट का स्टॉक दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारा बुलेट यहाँ पे लगा हुआ है, काफ़ी सारा रेंज है बुलेट का। तो इनका एक और मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको KTM का स्टॉक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम इस वीडियो में बुलेट का स्टॉक दिखाएंगे और हमारे साथ जो वालिया मोटर से भैया हैं, भैया अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नितेश है। तो अपने पास जो सर्विस मिलने वाला है, जैसे कि कोई बाइक ले जाते हैं, फाइनेंस वगैरह हो जाता है यहाँ? फाइनेंस हो जाएगा। कितने परसेंट तक फाइनेंस हो जाता है? फाइनेंस 10% भी हो जाता है, 20, वो सिविल के ऊपर अकॉर्डिंग है। 10% डाउन पेमेंट सब देके भी ले जा सकते हैं। जी जी। अच्छा। तो अदर स्टेट वाले के लिए क्या सर्विस है, NOC वगैरह मिल जाता है यहाँ? अदर स्टेट के लिए NOC हम प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा। एंड फाइनेंस के लिए उनको एक रेफरेंस चाहिए होगा दिल्ली का। अच्छा। विदाउट रेफरेंस उनका नहीं हो पाएगा अदर स्टेट वालों के लिए। बट कैश लेनी है तो मोस्ट वेलकम। अच्छा। बट लेकिन ये कहना हुआ कि अदर स्टेट वाले को भी अगर रेफरेंस वगैरह है तो फाइनेंस मिल जाएगा। अगर अच्छा, दिल्ली का कोई रेफरेंस है तो। अच्छा, एक बार एड्रेस बता दीजिए, कैसे आना होगा यहाँ तक? सुभाष, नियर सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन है। अच्छा। एंड गूगल आपको लिंक पे, अच्छा गूगल मैप पे भी वालिया मोटर डालना आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टॉक की तरफ आपको लेके चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको और भी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं हम स्टॉक की तरफ, लेके एक एक करके आपको बुलेट का स्टॉक दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक बुलेट का, भैया ये कौन सा मॉडल होगा? ये 2017 मॉडल है। अच्छा। एंड जो इसकी रनिंग है वो 8000 है, जेन्युइन किलोमीटर है, ओरिजिनल इतनी चली है और इसका आस्किंग प्राइस है 1,17,000 रुपये। 1,17,000 जी। तो इसमें जो भी आपके पास बुलेट यहाँ पे अवेलेबल है, किसी में मीटर बैक वगैरह तो नहीं होगा ना? नहीं, मीटर टेम्परिंग का कोई इशू नहीं है। मेरे पास एक में 27,000 किलोमीटर भी है, 8,000 भी है, 5,000 किलोमीटर भी है। अच्छा। तो मीटर का कोई टेम्परिंग नहीं है। तो गाड़ी का कंडीशन आप देख लीजिए। अगला आपको लेके चलते हैं रॉयल इनफील्ड का। अगला स्टॉक जो है ये कौन सा मॉडल होगा? ये 2019 मॉडल है, मॉडल का नाम है रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड, वाइट एडिशन है, ABS है, डुअल चैनल ABS है, 350 सीसी में ना, 350 सीसी में है एंड रनिंग है 8000 और ये आपको पड़ेगी 1,62,000। अच्छा, 1,62,000 जी। इसका नया प्राइस कितना होगा लगभग? 2,02,000 का है BS6 का प्राइस एंड जो इसका प्राइस है 1,92,000 BS4। बट अब क्या है, शोरूम में BS4 आपको नहीं मिलेगी जी जी। तो ऑब्वियसली आपको यहीं आना पड़ेगा, शोरूम में BS4 है ही नहीं। चलिए आगे चलिए। तो अब अगला स्टॉक ये आप देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड का, ये कौन सा मॉडल है? ये 2018 मॉडल है, स्टैंडर्ड। इसमें अलॉय व्हील एंड ट्यूबलेस टायर दोनों लगे हुए हैं, लेग गार्ड लगा हुआ है जी। तो ऑलमोस्ट ये आपको 11,000 किलोमीटर चली हुई है, ये 1,20,000 की है। 1,20,000 जी। कंडीशन आप देख सकते हैं गाड़ी का। इसके बाद और एक रॉयल इनफील्ड का, ये कौन सा मॉडल होगा? ये मॉडल है 2017 मॉडल, 500 सीसी। अच्छा, 500 सीसी में 2017। हाँ, मॉडल क्रोम एडिशन है एंड ये रनिंग है 19,000। अच्छा। और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 1,05,000 है। 1,05,000 जी। तो जो भी प्राइस आप बता रहे हैं इसके बाद नेगोशिएट हो जाएगा आने के बाद? हाँ जी बिल्कुल, जो आपके चैनल से कोई भी आएगा तो नेगोशिएशन अवेलेबल है। ठीक है। तो एक और अगला स्टॉक जो आपको दिखाने वाले, ये भी रॉयल इनफील्ड का, ये कौन सा मॉडल होगा? हाँ जी, ये 500 सीसी है, ये भी, ये 2016 मॉडल है। अच्छा। ये ओनली 5000 किलोमीटर चला है। अच्छा। अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर दोनों लगे हुए हैं, लेग गार्ड लगा हुआ है। अच्छा। इसका जो आस्किंग प्राइस है 1,08,000। 1,08,000 यस। तो अब अगला स्टॉक इसके बाद आप देख सकते हैं, ये भी बुलेट ही है ना? जी। कौन सा है? ये क्लासिक है, 350 है। 350 क्लासिक। हाँ जी, सिंपल है, इसमें अलॉय व्हील वगैरह नहीं है, सिंपल गाड़ी है, लेग गार्ड लगा हुआ है ये, और रनिंग है इसकी 5,500। अच्छा। हाँ जी, और ये आपको पड़ेगा 1,32,000। 1,32,000 जी। अच्छा। और जैसे कि गाड़ी जो भी आपसे लेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, दिल्ली में, दिल्ली में अगर दिल्ली का आईडी है तो उनका 2,200 अलग से लगता है। अच्छा। ट्रांसफ़र चार्ज। अच्छा। एंड जो अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए NOC भी मिल जाती है हमारे पास, वो NOC लेना चाहिए। दिल्ली का कोई इनके पास रेफरेंस है तो दिल्ली में नाम करा के ऑल ओवर इंडिया वो कहीं भी चला सकते हैं जी। तो इसके बाद अगला स्टॉक की तरफ आपको लेके चलते हैं, ये कौन सा है रॉयल इनफील्ड? रॉयल इनफील्ड ये भी क्लासिक है, 2018 मॉडल है, वाइट कलर है,
एंड 6000 किलोमीटर रनिंग है और इनका आस्किंग प्राइस है 1,32,000 इसका भी 1,32,000 ऑन टेबल नेगोशिएट हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद जो अगला स्टॉक है ये देख सकते हैं आप, रॉयल इनफील्ड का, ये कौन सा है? ये मेरे पास अभी आया है 2018 लास्ट दिसंबर का है। अच्छा जी, 8000 रनिंग है, स्टैंडर्ड है ना? नहीं, क्लासिक गन मेटल। अच्छा, क्लासिक गन मेटल, गन मेटल डबल डिस्क में आता है ये। कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी का, कितना चला हुआ? 8000 चला हुआ है ये भी। अच्छा। और डबल डिस्क में है, इसका आस्किंग प्राइस है 1,40,000। 1,40,000 जी। तो अब आइए, ये देखिए आप नया एक और स्टॉक जो है, ये कौन सा है रॉयल इनफील्ड का? ये भी वाइट कलर में है, 10,000 रनिंग है जी, 2017 मॉडल है। 17 मॉडल, अलॉय व्हील लगे हुए हैं, लेग गार्ड लगा हुआ है। अलॉय व्हील सब आप देख सकते हैं, अलग से आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, क्रोम वाले अलॉय व्हील्स हैं इसमें। अच्छा जी, कितना चला हुआ है ये? चला हुआ है 10,000। प्राइस, इसका प्राइस पड़ेगा आपको 1,17,000। 1,17,000। इसके बाद एक ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं, सेम मॉडल है। कौन सा मॉडल होगा ये? 2018 मॉडल है। 18 मॉडल जी, इसका जो आस्किंग प्राइस है, सिंपल गाड़ी है, स्टॉक साइलेंसर लगा हुआ है, 350 cc में ही है ना? हाँ जी, ये इसका आस्किंग प्राइस है 1,30,000। 1,30,000। कंडीशन बिल्कुल नया है, प्राइस अगर आप देख रहे हैं तो कंडीशन वाइज आप प्राइस देख सकते हैं। इसके बाद सेम आपको देखिए कलर, तीन कलर में एक ही गाड़ी एक ही जगह पे है आपको। ये कौन सा मॉडल होगा? ये भी 2018 मॉडल है। अच्छा, चेरी कलर है इसका, एंड ये भी 5,000 चली हुई है। 5,000 चली हुई है, 1,32,000 का डिमांड है। 1,32,000 इसका भी डिमांड है। ऑन टेबल लैंग्वेज। तो बुलेट के बाद यहाँ पे और भी काफ़ी सारा स्टॉक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक होंडा का नवी, ये कौन सा मॉडल होगा भैया? नवी होंडा का 2017 मॉडल है जी। जी, 8,000 रनिंग है ये भी। अच्छा, और ये नवी जो है वो बहुत बेस्ट मानी जाती है अपना ट्रैफिक के अंदर, आप कहीं से भी निकाल सकते हो उस गाड़ी को। सेम एक्टिवा वाला इंजन है, 110 cc जी, और बहुत अच्छा पिकअप रहता है इसका। इसका है 38,000। 38,000 प्राइस है यहाँ पे। अच्छा, ये शोरूम प्राइस कितना होता है नया? शोरूम प्राइस 56, 56। बट ये बंद हो चुकी है, 2017 में ही बंद हो गई थी। अच्छा, 18 मॉडल भी नहीं आया इसका भी। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं एक्टिवा वाला इसमें इंजन होता है, काफ़ी अच्छा कंडीशन है। कंडीशन वाइज आप देख सकते हैं, इसका प्राइस कितना बताएं? 38,000 में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे आप बात करें तो अपाची वगैरह भी मिल जाता है, ये अपाची देख सकते हैं आप, ये 160 cc में है ना? हाँ जी भैया। कौन सा मॉडल होगा? 2018 मॉडल। 2018 मॉडल, कितना चला हुआ है? 10,700 रनिंग है। 10,000 रनिंग है। अच्छा, इससे पहले जो भी इस वीडियो में बुलेट का स्टॉक दिखाया है, ये ऑनर कौन सा होगा? ये सब A to Z फर्स्ट ओनर है, कोई भी मेरे पास सेकंड ओनर नहीं है। तो जो भी आपने बुलेट का स्टॉक दिखा था इससे पहले, ये सारा फर्स्ट ओनर है, कोई भी सेकंड ओनर नहीं है। इसलिए हर बाइक में आपको ऑनर नहीं बताया, सारा फर्स्ट ओनर ही है। और ये नवी भी फर्स्ट ओनर था ना? जी। और ये अपाची कौन सा है? अपाची भी फर्स्ट ओनर है, मेरे पास सारी गाड़ियां फर्स्ट ओनर है। अच्छा, तो कितना प्राइस है अपाची का? अपाची का प्राइस है 10,000 रनिंग है, 65,000। तो अपाची के बाद आप अगला स्टॉक डोमिनार देख सकते हैं, ये कौन सा मॉडल होगा भैया? 2017 मॉडल है। अच्छा, विद ABS। अच्छा, 19,000 रनिंग है जी, एंड आस्किंग प्राइस है, इसका फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 400 cc है, एंड आस्किंग प्राइस है 1,10,000। 1,10,000 जी। तो डोमिनार के बाद एक और अपाची आपको, ये कौन सा है? ये अपाची है 200 cc में, RTR 4V, ये भी न्यू मॉडल ही आया है जी। ये रनिंग एक्चुअली 10,000 के आसपास है, एंड इसका जो आस्किंग प्राइस है वो 85,000। डुअल डिस्क में है। अच्छा, डुअल चैनल ABS। तो ये ड्यूक का 200 cc है भैया, ये कौन सा मॉडल होगा? ये 2018 मॉडल है। अच्छा, 11,000 रनिंग है जी, ये आपको पड़ जाएगा 1,32,000। 1,32,000 जी। अच्छा, कौन सा मॉडल? 18 है ना? 2018। 11,000 चला हुआ है जी। तो इसके बाद एक और ड्यूक का, ये 200 cc है, ये कौन सा मॉडल है? अभी सेम मॉडल है, 2018। अच्छा, ये कितना रनिंग है? ये अराउंड 9,000। 9,000 यस। कंडीशन वाइज आप देख सकते हैं गाड़ी का, कितना प्राइस? ये आपको, ये भी सेम 1,32,000। 1,32,000 तो अब इसके बाद का जो स्टॉक आप देख सकते हैं, ये KTM वगैरह आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा, हायाबूसा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद भी और भी काफ़ी सारा KTM वगैरह, FZ वगैरह, बहुत सारा बाइक होगा। तो हम इसके बाद अगली वीडियो में आपको आई बटन पे लिंक है, उस पर जाके देख सकते हैं आप KTM वगैरह का स्टॉक सारा उसमें दिखा देंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं।
क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। और आपको अगर हमसे कोई भी सवाल हो तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इनका वालिया मोटर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करके जिनको भी गाड़ी लेना हो आ सकते हैं शॉप तक। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।